हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्ट टैक्स एमकॉम सेमेस्टर 3 के लिए एंड दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर एमकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स आल्सो बिकॉज उनको भी टैक्सेशन का सब्जेक्ट है, तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूज होगा। लेकिन फिलहाल में आज जो मेजर डिस्कशंस हम आज के वीडियो में देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड विद सेमेस्टर 3। नाउ सिंस योर सेमेस्टर 3 एग्जाम ऑल द पेपर्स आर 60 मार्क्स, तो आप लोग अभी हम क्या करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कि आपको कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसको डायरेक्ट टैक्स में फोकस करना है, और उतने चैप्टर्स अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स डायरेक्ट टैक्स में मिल सकते हैं। विल बी फोकसिंग मोर ऑन वॉट टू स्टडी, एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट 60 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है एंड रिमेनिंग 40 मार्क्स तो आपके इंटरनल्स जो होंगे कॉलेज लेवल पे वो आपके मार्क्स होंगे। तो अभी हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कि कौन सा चैप्टर है और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो लेट अस डिस्कस चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, देखो 60 मार्क्स किस तरीके से पूछे जाएंगे दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा ऊपर नीचे चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है विच विल कैरी 15 मार्क्स। तो अगर हम 60 मार्क्स की बाइफरकेशन की बात करें तो 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स, दिस थ्री विल बी योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे आप सम सॉल्व करने हैं तीन, ठीक है, 15 15 15 ऑप्शन में आएंगे क्वेश्चंस एंड जो लास्ट का 15 मार्क्स रहेगा दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट मींस 60 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 60 मार्क्स में से 45 मार्क्स के लिए आपको सम्स सॉल्व करने हैं एंड 15 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है। ऐसा मिला के आपका 60 मार्क्स कवर होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर चैप्टर की बात करें तो जो आपको पढ़ना है That will be income from business या profession, ठीक है? इसके videos भी आपको मिलेंगे अभी, हम इसके बारे में भी discuss करेंगे। First of all, ये discuss कर लेते हैं आज कि overall business profession जो chapter है वो आपको 15 marks के लिए पूछा जा सकता है। Income from business and profession that will carry 15 marks, ठीक है? ये इतना important chapter है कि इसके option में भी income from business profession आने की probability बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये चैप्टर जो है ये आप ऑप्शन में बिल्कुल भी ना रखें। पहले हम लोग ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि दैट विल बी कंपलसरी, दैट मींस वहां से क्वेश्चंस तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन जब आप पढ़ने बैठोगे तो इसमें एक हमेशा आपको याद रखना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है That is a part of this topic. तो income from other sources भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, because income from business profession में जो आपको profit and loss दिया होता है उसके credit side में जितने भी incomes होते हैं उसमें other sources के भी incomes होते हैं। That indicates you need to solve the other sources also. तो income from business profession के साथ आपको other source पढ़ना ही पड़ेगा। ये दोनों आपस में दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड विच में कैरी 15 मार्क्स। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पहला चैप्टर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, लेकिन जहां पे भी आएगा बिजनेस प्रोफेशन काफी इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू स्टडी दिस प्रॉपरली बिकॉज इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। पोस्टिंग जितनी राइट होंगी उतने तो मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है और टेंशन नहीं लेना है। नंबर फर्स्ट वाज इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हो सकता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सैलरी पे हो सकता है, ठीक है? तो इनकम फ्रॉम सैलरी आपको पढ़ना है। सैलरी में भी आपको अदर सोर्सेस की कुछ चीजें दे सकते हैं, प्लस आपको डिडक्शंस भी दिए जा सकते हैं। डिडक्शंस कौन से होते हैं? डिडक्शंस काफी सारे हैं, मैंने एक वीडियो ही बनाया है, ATC, ATCCC, ATD, फिर आता है आपका ATDD, फिर आपका आता है ATU, फिर आता है ATE एंड लास्ट वाला होता है ATTTA। तो दिस आर द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A।
तो आपको ये भी पढ़ना है, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम, पूरा टोटल इनकम आपको सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछा जा सकता है, दैट विल बी फॉर सैलरी प्लस डिडक्शंस 15 मार्क्स। कभी कभी ये लोग क्या कर सकते हैं, और में ना 15 मार्क्स के जगह पे एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन एंड एक 7 मार्क का क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन भी बना के डाल सकते हैं। लेकिन मेजर चैप्टर है आपका सैलरी, अदर सोर्सेस और डिडक्शंस का, मतलब सैलरी पूरा सैलरी आ जाएगा उसमें। बहुत सारे लेवल्स है, मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए ऑलरेडी, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना सैलरी के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद फिर चैप्टर वाइज जाएंगे, एक एक टॉपिक के बेस पे डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन एक ओवरऑल आपको आइडिया आएगा। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्टार्ट, कि जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, जिनको लग रहा है कहाँ से शुरू करूँ, क्या प्रिपरेशन करूँ, तो ये प्रिपरेशन करेंगे तो दैट विल बी बेटर। ठीक है, अब ये 8-7 में क्या पूछ सकते हैं, 8-7 में छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन आ सकता है, जैसे कि आपका वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का एक चैप्टर है, काफी इजी है, उसके भी मैंने वीडियोस बनाए हैं चैनल पे, आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट ही है पूरा इनकम टैक्स का, वो आप चेक करना है, वहां से आपकी काफी सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 5, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ वो जो ROR, RNOR और NR का कंसेप्ट होता है, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल वाला, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, दैट विल बी फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक, बिकॉज स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी इजी, बिकॉज एक पूरा फॉर्मेट बेस है, एंड दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको हमेशा याद रखना है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में 2 टाइप की हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक होता है LOP, एक होता है SOP, तो वो हम जैसे आगे जाएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, लेकिन LOP और SOP के बारे में जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। इसके साथ भी आपको अदर सोर्स करना है, इसके साथ भी आपको डिडक्शंस करना है। तो टैक्सेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट ओवरऑल सब्जेक्ट, इट्स वेरी इजी, एंड दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी स्टडीड टैक्स इन द TYBCOM, तो उनको तो ज्यादा प्रिपरेशन करना नहीं पड़ेगा, जिनका एक अप्लाइड कंपोनेंट था। लेकिन जिनका भी अप्लाइड कंपोनेंट टैक्सेशन नहीं था, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज आपको क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है वो सारी चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। अगर हम ये तीनों चैप्टर परफेक्ट कर ले, मतलब कौन से चैप्टर, एक है आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, दैट इज बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर, एक है आपका सैलरी का चैप्टर, ठीक है, एक है आप हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, ये 3 चैप्टर हो गए। लेकिन इसके साथ आपको क्या याद रखना है, अदर सोर्स हर जगह पे पूछा जाता है, तो एक हो गया आपका अदर सोर्स, और इसके साथ आपको क्या याद रखना है, जो ये डिडक्शन से 80 सेक्शन वाले चैप्टर 6 में जो अप्लाई होते हैं, वो उतना भी अगर आपने प्रॉपरली पढ़ लिया, तो इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड रिमेनिंग 15 मार्क्स कैरीज योर ऑब्जेक्टिव्स, एंड ऑब्जेक्टिव्स डिपेंड्स अपॉन द बेस। तो व्हाटएवर इज द बेस ऑफ द टॉपिक, व्हाटएवर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू द टॉपिक, वहां से ही ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव्स का भी एक प्लेलिस्ट है, टैक्सेशन के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने डाले हैं, वो भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, एंड उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ऐसा ही हम लोग अभी फाइनेंस का भी देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी देखेंगे, सिमिलरली ऐसा वीडियो आपको कॉस्टिंग का भी मिलेगा exactly कि किस तरीके से पढ़ना है। मुझे लगता है इनकम टैक्स से ज्यादा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का ओवरऑल आइडिया आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, तो वो भी वीडियो आपको मिलने वाला है। लेकिन जितना मैंने अभी तक बताया है, तो वो सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करके रखे, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपको ऐसे ही वीडियोस अभी मिलेंगे आगे, एंड उसके बेसिस पे आपका जो एग्जाम होगा दैट videos will help you a lot, those who are not attending college regularly and those who are thinking at the last time, basically last moment pe jo sochte hai ki kya padhna hai, kahan se shuru karna hai, what we have to study, how we will we get the exam clear, to wo sari cheeze jo hoti hai uske liye ye sari cheeze aap agar major focus karenge, maine aapko chapters hi bata diye hai ki income from business profession pe focus kare, salary plus house property pe focus kare, और उसके साथ आपको अदर सोर्स और डिडक्शंस पढ़ने हैं। तो दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू योर डायरेक्ट टैक्स, एज वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ओनली फॉर 60 मार्क्स पेपर, तो फ्रॉम 60 मार्क्स इससे रिलेटेड आपको ओवरऑल चीजें पेपर में देखने मिलेगी। फिर बचे हुए चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके ऑप्शंस में जा सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन है, जैसे कि
स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला चैप्टर है, वो भी इजी है, वो भी ऐसा है कि आप एक बार पढ़ के रखेंगे तो दैट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस ऑल्सो। लेकिन पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करें जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। तो अगले लेक्चर में अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कि उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।